नमस्कार, अदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम, रिचा डिवाइन रिचार्जल पर सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो आई एम हियर टू डू अ वीकली रीडिंग ऑफ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट, टेल मी, व्हाट कैन माय व्यूअर्स एक्सपेक्ट in their love life this week? And this is a timeless reading. Like आप जब भी वीडियो देखेंगे उससे 1 week के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ये रीडिंग है, ठीक है? सो फ्रॉम द टाइम आई व्यूअर्स वॉच दिस रीडिंग, 1 week के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में, वॉट कैन, ऑल राइट, दीज कार्ड्स वॉन्ट्स टू कम प्रीटी मच इनफ कास्ट, सो लेट्स टेक अ लुक। ऑल राइट, वी हैव वेरी सून, okay, retreat, make the effort, so someone is making an effort, okay, then we have stay optimistic about a love life, and I don't know why, because there is some noise in the background where you can hear baby crying, so somebody could hear good news in their love life. This is channel message, express your love. Okay, separation, don't worry, I'll tell you, I'm made the sare cards nahi le sakti hu, getting to know each other, I'm gonna pick just one, a few of them, a codependency, trust. Okay, I have a good news card over here, but I'm going to tell you, well, okay, so apni love life mein aap kya expect kar sakte ho, let me just take them. We have deception, engagement, worth waiting for, keep an open mind, and romantic feelings. I just couldn't resist myself from keeping the cards here. Okay, so 1 week from when you watch this reading, क्या होने वाला है आपकी love life में? जब आप इस video को देखेंगे उससे 1 week के अंदर आप क्या expect कर सकते हो अपनी love life में? वो ये reading है, ठीक है? सो मुझे जो दिख रहा है फ्रेंड्स कि अभी आप लोग सेपरेशन में हैं, कुछ लोग अभी सेपरेशन में हैं, कुछ लोगों का अभी जो है अपने लव्ड वन, आपके बिलव्ड के साथ आपका कांटेक्ट नहीं है अभी, ठीक है? और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर ने उनको चीट किया है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर डाला है तो वो सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना होगा, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, क्योंकि अगर पास में अगर आपने कहीं धोखा आपको मिला था तो आपको ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में हैं, ये जो हमें हमारी फिल्में सिखाती हैं कि तू अधूरा, मैं अधूरी, जी रही हूँ, जी रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें खुद को अपना अधूरापन पूरा करना होता है, ठीक है? और कोई हमें पूरा नहीं करता फ्रेंड्स जब तक आप खुद पूरे ना हो, ठीक है? सो यू कैन नॉट पॉर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, लाइक द सेइंग गोज, ओके? तो आपको अपना अधूरापन पूरा करना होगा और फिर आपको एक हील्ड पर्सन मिलेगा जो वो भी पूरा होगा, यू नो, लाइक हेल्दी रिलेशनशिप मिलेगी आपको, तब एक हेल्दी रिलेशनशिप होगी आपकी, ठीक है? एंड आई हैव रेमेडीज टू यू नो स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप, डीपन योर रिलेशनशिप, और टू अट्रैक्ट अ सोलमेट इन योर लाइफ। तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं एट डिवाइन विजन आरडी @gmail.com पर ईमेल करके, या डिवाइन विजन आरडी नाम से मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे फॉलो करके जब मैं लाइव आऊँ तो वहाँ पे यू कैन एन्जॉय द लाइव्स, एंड वहाँ पे जो है मैं 1 कार्ड रीडिंग करती हूँ, फ्री 1 कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो आपके सवालों के जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, प्लस वहाँ पे आप मैसेज करके रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है? सो डू नॉट मिस आउट ऑन ऑल द अमेजिंग स्टफ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, देखते हो डेली आकर, तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। डिवाइन विजन आर्डी किंगडम आपका इंतजार कर रहा है, आपके प्यारे प्यारे एंजल्स का, तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, हमें बहुत खुशी होगी, बहुत आप हमें, इट्स लाइक शोइंग योर लव टू अस, यू नो, सो यू कैन शो योर लव टू अस बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड टेल अस हाउ, लाइक स्टे ट्यून टू ऑल द अमेजिंग स्टफ एंड टेल अस हाउ मच यू लव अस, ओके? सो थैंक यू। गेटिंग बैक टू द रीडिंग, देखिए कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप ये है कि अगर आप अपने अंदर, आपको खुशियाँ ढूंढना सीखना होगा, अपने अंदर अपनी दुनिया में कंप्लीट रहना, अपनी दुनिया को इन्जॉय करना आपको सीखना होगा, तभी
तभी कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ खुश रहे, आपको भी खुश रखे, ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है, या तभी आपकी रिलेशनशिप हेल्दी हो सकती है, जो आपकी करंट रिलेशनशिप है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं. ये पर्सन, बाय द वे, लेट मी जस्ट टेल यू, देर इज़ सम काइंड ऑफ ऑब्सेशन आई एम सेंसिंग ओवर हियर, एंड दिस पर्सन, चाहे वो आपसे बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, ये आपके आपको मिस करते हैं, आपके बिना अधूरा महसूस करते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद यू. बहुत पैशन है, अट्रैक्शन है आपको लेकर इस पर्सन के मन में. अब वो ना जाहिर करते हो तो वो मुझे नहीं पता, ठीक है. एंड बहुत एफर्ट्स आपने करे हैं इस कनेक्शन को लेकर, अब ये पर्सन एफर्ट्स करेंगे आपके कनेक्शन में, ठीक है. फ्रॉम वन वीक फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस रीडिंग, हो सकता है कि ये पर्सन धीरे धीरे इनके एफर्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे. नाउ इवन इफ दे वर्किंग बिहाइंड द सीन्स इन योर कनेक्शन, यू विल स्टिल बी एबल टू सेंस कि समथिंग इज इम्प्रूविंग इन योर कनेक्शन. ओके, लाइक आपको कुछ पॉजिटिव थाट्स आएंगे, कुछ आपको उस पर्सन के आप सोच भी नहीं रहोगे तो भी आपको उस पर्सन के थाट्स आने शुरू हो जाएंगे. या यू विल वॉन्ट टू लिसन टू हैप्पी हैप्पी सॉन्ग्स, हैप्पी विल फील सडनली फील हैप्पी पॉजिटिव अबाउट योर रिलेशनशिप. यू आर सजेस्टेड टू स्टे पॉजिटिव अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है. थिंक पॉजिटिव अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर कनेक्शन, ठीक है. तो यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है. पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. नाउ इवन इफ यू आर अ सिंगल, लाइक इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर अनअटैच्ड, देन बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव चेंजेस. दिस विल ब्रिंग यू रोमांस, द काइंड ऑफ रोमांस यू ऑलवेज वॉन्टेड. Okay, and someone could, whether you're single, there is somebody who has a crush on you, somebody likes you, you could get probably somebody's love confession this week, and someone could express their love to you. अगर आप marriage के लिए proposals देख रहे हैं तो आपके marriage का proposal आ सकता है जो finally आपको पसंद आ जाए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है जिस तरह के matches आ रहे हैं आपके पास. ओके, तो सेपरेशन कार्ड के बाद हमारे पास है गेटिंग टू नो ईच अदर. तो कुछ लोगों के पास हो सकता है किसी के साथ मीटिंग, डेट वगैरह हो सकती है, हो आपकी आपके पर्सन के साथ, ठीक है, और वो बुलाएं, या मतलब मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की भी आपके पर्सन आपसे खुद कहेंगे कि हमें मिलना चाहिए, और आप लोगों की डेट हो सकता है हो उस पर्सन के साथ में, और कुछ लोगों की मैरिज रिलेटेड मीटिंग हो रही है, ठीक है. एंड तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं. देन कुछ लोग यहाँ पे ट्रिप पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो आपको हो सकते अपने प्लान्स बताएं कि मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. ऑल राइट, एंड रिट्रीट के बाद मेक द एफर्ट का कार्ड आया है. तो दिस कार्ड इज सेइंग कि यू हैव मेड इनफ एफर्ट्स, लेट दिस पर्सन मेक एफर्ट्स. आपने जो एफर्ट्स करने हैं वो अपनी तरफ एफर्ट्स करने हैं, विच इज़ लाइक सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है. एंड ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू गाइडेड टू टेक. Okay, so then we have the trust card. So trust the angels, trust the universe, trust the divine power जिसमें आप मानते हो, and trust yourself. Okay, तो मैं कहूँगी trust करो, लेकिन keep your eyes and ears open. Okay, and then we have keeping an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. तो अगर आप सिंगल हैं तो कोई पर्सन जिनके साथ आपकी शादी या आपका फ्यूचर लिखा है वो हो सकता है थोड़ा आपकी उम्मीद के थोड़ा अलग हो, थोड़ा उससे, ठीक है, उम्मीद के विपरीत तो नहीं कहूँगी मैं, पर वो पर्सन, लेकिन वो लॉयल होंगे, लविंग होंगे, आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि साहिबा जो बदल के प्यार करे वो प्यार नहीं सौदा करे, और प्यार में सौदा नहीं होता, ठीक है. तो वो पर्सन जो होंगे आपके सोलमेट हो सकते हैं, और वो पर्सन आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट, क्योंकि आप तो वैसे एक्सेप्ट करते हो ना, आप ये थोड़ी कहते हो कि मैं तुम नहीं, तुम ऐसे हो जाओ, तुम वैसे हो जाओ. यू एक्सेप्ट द पर्सन द वे यू आर, तो यू डिजर्व समबडी हु मेक्स इक्वल एफर्ट्स टूवर्ड्स यू, राइट. सो इसी तरह का पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, इस तरह का मैच आ सकता है. सो कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन, एंड रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग. ओके, लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉच दिस रीडिंग, सो आप मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव सोचो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं. अगर आप फियर, डाउट, नेगेटिविटी करोगे, सोचोगे इस तरह से, तो आप अपनी प्रोग्रेस को खुद हैंडल कर रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने. Romantic feelings, like I told you, somebody is harboring romantic feelings for you. किसी के मन में आपके लिए crush है, romantic feelings हैं, और वो person अपने romantic feelings आपसे जाहिर कर सकते हैं, चाहे आप single हो या attached हो, ठीक है. तो this is what I'm picking up. And then we have the engagement card. So मुबारक हो. कुछ लोगों की रिश्ते की बात पक्की हो सकती है, कुछ लोगों की रोका या engagement की बात पक्की हो सकती है, उसके final हो जाए या हो जाए कुछ लोगों का engagement.
जब ऐसा होगा तो ज़रूर आप शेयर करेगा इस कमेंट सेक्शन में। अभी रिसेंटली किसी ने शेयर किया कमेंट सेक्शन में कि जब उन्होंने जो वीडियो देखी उनके लिए बहुत एक्यूरेट रही और उनकी एक्चुअली जो गिवन टाइम फ्रेम था उसमें उनकी शादी हो गई। सो कंग्रेचुलेशंस, हर नेम वाज रिचा एंड उनका नाम भी रिचा था। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल कॉमेंट, इट रियली मेड माई डे। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। थैंक यू। ओके, सो यू कैन शेयर ऑल द गुड न्यूज़ ऑफ योर लाइफ। आप जो वीडियो देखते हो आपके साथ रेजोनेट होती है तो क्या हुआ क्या, वो सब आप शेयर कर सकते हो बिकॉज वी आर फैमिली। ओके, सो ऑल राइट, सो ये थी वीकली अपडेट, वीक टाइमलेस वीकली रीडिंग। आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तब से वन वीक के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये वो रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट, टू स्टे ट्यून्ड। अगर आप इस अपनी लाइफ में खूबसूरत बदलाव लाना चाहते हैं तो आप रीडिंग्स बुक कर सकते हैं एंड उसमें आपको सिर्फ ईमेल करना है या मैसेज करना है। ईमेल करना है तो divinevisionrd@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। मेल मैसेज करना है तो divinevisionrd नाम से मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस हैं, डिटेल्स अबाउट सेक्शन में दे रखी हैं, वहाँ पे मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में डिटेल्स हैं। तो वहाँ पे आप जाकर जो है मुझे पेज फॉलो करके आपने मैसेज करना है और जब भी मैं लाइव आऊँ तो यू कैन स्टे ट्यून्ड टू ऑल द अमेजिंग वन फ्री वन कार्ड पोल्स दैट आई डू। ओके, सो विश यू ऑल द अबंडेंस, गुड लक इन लाइफ एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, रिमेंबर वॉट रॉबिन शर्मा सेड इन द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ बिकॉज लव बिगिंस विद योर सेल्फ। ओके, सो यू आर प्रेशियस, रिमेंबर दैट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो डू क्रिएटिव थिंग्स दैट मेक योर सोल फील हैप्पी। ओके, ऑल राइट, सी यू अनदर रीडिंग इन अदर वीडियो, टिल देन टेक गुड केयर, चरा बाय बाय, चाओ चाओ, अडियोस, सी यू इन अनदर रीडिंग, सेयोनारा।